नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में शायद ही इस बात का पालन कोई करता हो। इस परंपरा के पीछे न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक पक्ष भी है। आज की इस वीडियो में हम इसी परंपरा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, गुरु जी के अनुसार भोजन में शुद्धता और सात्विकता होना बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार तो ऐसा भी कहा जाता है कि भोजन में कोई भी दूषित पदार्थ जैसे कि मांसाहार आदि नहीं होना चाहिए। भोजन बनाते समय से लेकर उसे परोसने तक कभी भी भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें झूठा हाथ लगाना चाहिए। एक दूसरे का झूठा भोजन करना सर्वदा वर्जित है। यहाँ तक कि पति पत्नी को भी कभी एक दूसरे का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का झूठा भोजन करता है, उस व्यक्ति के सारे ग्रह दोष और उसकी सारी पीड़ाएं, उसके सारे दुर्भाग्य का वह सहभागी बन जाता है। और तो और, झूठा भोजन करने से संक्रामक रोग भी फैलने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि सभी लोगों के भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति बिना हाथ पैर धोए ही भोजन करने बैठ जाता है तो जिससे कि अनेकों रोग फैल जाते हैं। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ ही साथ वाणी का भी कारक होता है। किसी दूसरे का झूठा भोजन खाने से हमारी वाणी भी प्रभावित होती है, यानी कि हमारी वाणी के जो भी प्रभाव है वह प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिसका झूठा भोजन खाते हैं उसके अशुद्ध विचार हमारे मस्तिष्क में समा जाते हैं। किसी का झूठा भोजन खाने से ग्रहों की पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, यानी कि यदि उस व्यक्ति के ग्रहों में कोई पीड़ा है, जैसे कि शनि की साढ़े साती है या फिर कोई भी दोष है, तो वह हमारे ऊपर भी आ जाता है, यानी हम उसकी पीड़ा के, उसके दुर्भाग्य के सहभागी हो जाते हैं। इससे हमारे सुखों में कमी आ जाती है और हमारे बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं। झूठा भोजन करने से कुंडली का भाग्य स्थान यानी नवम स्थान प्रभावित होता है, जिससे कि आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो यदि आप भी अपने किसी प्रियजन के साथ भोजन शेयर करते हैं, साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो आज से और अभी से आप तुरंत ही ऐसा करना बंद कर दें। क्योंकि दोस्तों, हर किसी के अपने अपने दुख होते हैं, अपने अपने सुख होते हैं। क्योंकि इस तरह से एक थाली में खाना खाकर आप आपस में प्रेम नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आप एक दूसरे के दुर्भाग्य के सहभागी बन जाएंगे। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष हो जो कि आप अपने प्रियजन को दे दें, या फिर हो सकता है कि उनकी कुंडली में कोई दूषित प्रभाव हो जो कि आप उनसे ले सकते हैं। तो आप कभी भी एक दूसरे का झूठा खाना बिल्कुल भी ना खाएं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।